इसलिए आज हम जो है ओवर सब्सक्रिप्शन के सवाल हैं। कल हम लोगों ने जो लेक्चर्स पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन माइंड था, आज हम उसके सवाल को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन के साथ है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स को एप्लीकेशन इशू किया। एक का कॉस्ट 10 रुपये है, 3 रुपये आपका एप्लीकेशन पे है, 2 रुपये आपका अलॉटमेंट पे है और 2.5 रुपये आपका फर्स्ट कॉल पे है और 2.5 रुपये आपका फाइनल कॉल पे। ये चार्ज दिया पब्लिक एप्लीकेशन पे 30,000 शेयर्स, जो एप्लीकेशन आया है वो 30,000 के लिए है और अलॉटमेंट हो चुका है उनका। किस तरह से अलॉटमेंट हुआ ये देखते हैं, जिन्होंने 8,000 शेयर लिए थे उनको पूरा का पूरा दे दिया गया फुल, और जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए लिया था उनको हमें 12,000 शेयर्स इशू किए। तो हमारा 12 और 8 30,000 नहीं हो गया, क्योंकि हमने कभी बताया था कि ये पूरे डेटाबेस पे, इसका मतलब कि हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं और सबसे में एडजस्ट करते हैं कि जो लोग ज़्यादा शेयर दिए रहते हैं अप्लाई किए होते हैं उनको हम क्या करते हैं तो कुछ कम शेयर दिए इशू करते हैं। आए कहते हैं अब बाकी जो 6,000 शेयर्स किया था उनको हमने नहीं कर दिया, हालांकि कब मैंने आपने तो कर दिया 30,000 शेयर्स के आए। अब इसे दिया है कि और मनी वेयर बैलेंस जितने भी अमाउंट के इसके सारे के सारे अमाउंट सबको इसी। अब हम जनरेटरी को पास करें, चलिए तो हमारी पहले एंट्री क्या होती है या आपको पता ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन किधर का किया गया, 30,000 एप्लीकेशन आए हैं और एप्लीकेशन का कॉस्ट कितना है 3 रुपये, तो जाहिर सी बात है 30,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90,000। यो अब आते हैं नेक्स्ट, अब यहां हम करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे आएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट और टू यहां पे आ जाएगा आपका। अच्छा कि यहां पे उसने जो हमने शेयर्स यहां पे दिए हैं बाकी जो शेयर्स थे वैसे 16,000 से 12,000, तो 12,000 से 4,000 जो शेयर्स है वो हमारे पास एडवांस क्या है, हालांकि जो 6,000 शेयर जिसने लिया था उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जिसने 16,000 से लिया था उसको 12,000 बाकी 4,000 पैसे मेरे पास है वो हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इसके बाद ये 6,000 का पैसा ये हम क्या करें 6,000 से चूंकि हमने इसको इशू किया नहीं है तो वो पैसा हम क्या करते हैं इसको हम वापस कर देते हैं रिजेक्ट में या रिटर्न हो जाता है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा बैंक बैंक अकाउंट डेट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट यह हम करेंगे। चलिए एक दिन देखते हैं इस कैलकुलेशन तो से इसका तो 90,000 रह गए क्योंकि एप्लीकेशन का 90,000 है। शेयर कैपिटल की बात यहाँ शेयर कैपिटल में क्या होगा, कितने शेयर हमने इशू किया था कंपनी ने 20,000, 20,000 के हिसाब से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60,000 ये आप दिखा रहे हैं। अब बातचा अलॉटमेंट की बात होगी, अलॉटमेंट में कितना जाएगा 12,000 शेयर्स को इशू किए गए हैं लेकिन इसने एप्लीकेशन कितने का दिया था 16,000, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,000, 4,000 तीन रुपया करिए एप्लीकेशन का दाम कितना 12,000 चाहते हैं 12,000। अब इसको इसको प्लस कर लीजिए कितना आएगा सीधे 2,000 बचा कितना उसको निकाल दो, यहाँ पे 6,000 से का पैसा नहीं मिला मैंने हमने क्या किया उसको वापस कर दिया, तो 6,000 के हिसाब से अगर 3 रुपये बढ़ा देंगे तो 18,000 रुपये हमें ये वापस कर दिया।
ये कितना था वापस है। अब हम बात करें शेयर अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे ये डेबिट अलॉटमेंट मनी गिव। तो अलॉटमेंट का कॉस्ट कितना दिया है आपका 2 रुपया, तो 20,000 दो में गए तो 20 में कितना होगा 40,000 है। 40,000 यहां निकालिए अलॉटमेंट की मनी। अब आते हैं रिसीव करते हैं पैसा। चलिए आप ये देखिए बैंक ऑन डेबिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अलॉटमेंट मनी परसेंट, रिसीव करने हाँ अभी